वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। प्रयागराज जिले के पड़ोसी जनपद कौशाम्बी में 20 मई को चुनाव है, जिसे लेकर सभी सियासी पार्टियां और नेता दिन रात पसीना बहा रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में जहां एक तरफ नेताओं के चर्चे हैं जो जनसंपर्क में लगे हुए हैं, तो वही एक ऐसी नेत्री भी है जिसे लेकर यहां चर्चाएं चल रही हैं और वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी चुनाव संपर्क में नज़र नहीं आ रही हैं। चुनाव की इस सरगर्मी के बीच आखिर पूजा पाल अपने विधानसभा क्षेत्र से क्यों नदारद है, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जानकारी यह भी मिली है कि पूजा पाल 2-3 दिन पहले अभी चायल विधानसभा क्षेत्र के करासिया गांव में जनसंपर्क के लिए आई थी और वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया था। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि पूजा पाल ये बताएं कि वो यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत कर गई थी और उसके बाद किस आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट मांग रही हैं। पूजा पाल के सामने सबसे बड़ा सियासी संकट ये है कि वो समाजवादी पार्टी से जीत कर आई हैं, सपा की वो विधायक हैं, लेकिन इस समय वो भाजपा के पाले में हैं। भाजपा के पाले में होते हुए भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिल रही है। कौशाम्बी में सबसे पहले विनोद सोनकर की समर्थन में बुलाई गई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा हुई, उसमें भी पूजा पाल नदारद थी, जिसे लेकर कई तरह के सवाल किए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कौशाम्बी के भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा करने आए, वहाँ भी लोगों की निगाहें पूजा पाल को घोंचती रहीं, लेकिन पूजा पाल वहाँ भी नज़र नहीं आईं। अब सवाल यह उठता है कि इस चुनावी सरगर्मी में आखिर क्या वजह है कि पूजा पाल अपने विधानसभा क्षेत्र तक में पहुंच नहीं रही हैं और स्थानीय लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि पूजा पाल को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल जाएगी और उसके बाद वो खुलकर चुनाव प्रचार कर सकेंगी। ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी में जगह देने के बाद भी अभी पूजा पाल का नंबर नहीं आया है। 17 मई को ऊंचाहार के समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे की भाजपा में शामिल होने के बाद पूजा पाल को इंतजार था कि शायद उनके लिए भी भाजपा के रास्ते खुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाहिर है ऐसे में अब पूजा पाल की सियासी उलझन बढ़ गई है। पूजा पाल की ये सियासी उलझन कब खत्म होगी अभी कुछ नहीं कह सकता है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कोई दूसरा चुनाव भी आसपास नहीं है, जिसके चलते पूजा पाल ये उम्मीद करें कि उन्हें भाजपा में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। जाहिर है ऐसे में पूजा पाल का इंतज़ार लंबा भी हो सकता है। दिनेश सिंह, TV9 UP, कौशाम्बी, प्रयागराज। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।